हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 5 से हिंदी का चैप्टर 11 से पाठ का सारांश, जिसका शीर्षक है चावल की रोटियां। बच्चों, इस पाठ के सारांश की शुरुआत हम यहां से करेंगे। चावल की रोटियां एक एकांकी कहानी है, जिसमें कोको मुख्य भूमिका में है। वो 8 साल का एक बर्मी लड़का है। उसके 3 दोस्त हैं, नीनी, टिनसू और मिमी। नीनी और टिनसू बर्मी लड़के हैं और मिमी बर्मी लड़की। उबा तुन जनता की दुकान का प्रबंधक है। बच्चों, इस कहानी में एक दिन कोको अपने माता पिता के खेत पर जाने के बाद उठता है। माँ की अनुपस्थिति में उसे घर की देखभाल करनी है। उसकी माँ उसके लिए 4 चावल की रोटियां बनाकर अलमारी में रख गई। कोको को चावल की रोटियां बेहद पसंद है। बच्चों, तभी वो झट से उठ बैठ जाता है उन्हें खाने के लिए। तभी उसे दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलने से पहले उन रोटियों को छिपा देता है। फिर दरवाजा खोलता है, दरवाजे पर निनी होता है। बच्चों, वो तुरंत कोको से पूछ बैठता है कि उसने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। कोको झूठ बोल जाता है कि वो नाश्ता करके मुंह धोने लगा था। बच्चों, निनी उसके पास रेडियो पर परीक्षा संबंधित सूचना के बारे में जानकारी लेने आया है। कोको बहाना बनाता है कि उसका रेडियो खराब हो गया है। निनी को खबर जरूर सुनना है, अतः वो फौरन टिनसू के घर चला जाता है। बच्चों, कोको राहत की सांस लेता है और फिर चावल की रोटियां लेकर खाने बैठने ही वाला है कि दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। इस बार मिमी है। कोको फिर रोटियां छिपाने के बाद दरवाजा खोलता है। बच्चों, निनी की तरह मिमी भी पूछ बैठती है कि उसने दरवाजा खोलने में देर क्यों लगाई। कोको फिर वही बहाना बनाने लगता है जो निनी के पूछने पर लगाया था। आगे मिमी उसे बताती है कि अभी अभी उसकी माँ मुझे मिली थी। उन्होंने बताया कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं। कोको तपाक से बोल पड़ता है कि रोटियां तो थी परंतु मैंने सब खा ली। मिमी कहती है कि अकेले अकेले खाना बुरी बात होती है। बच्चों, तभी मिमी ने कहा, मेरी माँ ने मुझे 4 केले के पापड़ दिए, 2 तुम्हारे लिए और 2 मेरे लिए। चावल की रोटियों के साथ केले के पापड़ का नाश्ता बड़ा अच्छा होता है। खैर, तुम्हारा पेट तो भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। बच्चों, फिर क्या, कोको मन ही मन पछताने लगता है। उसका पेट भूख से गुड़गुड़ करने लगा था। मिमी एक पापड़ उठाकर कोको से चाय मांगती है। कोको उसे बताता है कि चाय अलमारी पर रखी है। मिमी स्वयं चाय पीने लगती है और कोको से कहती है कि तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, अतः चाय भी मत पियो। उसी समय कोको का पेट फिर गुड़गुड़ करने लगता है। मिमी के पूछने पर बताता है कि हमारे घर में चूहा घुस आया है। बच्चों, फिर कोको कहता है कि वही यह आवाज कर रहा है। दरवाजे में फिर दस्तक होती है। इस बार टिनसू होता है। वो गेंदे के फूलों का गुच्छा लाता है। मिमी उसे केले का पापड़ देती है और एक कप चाय। टिनसू फूलदान में फूल लगाने के लिए बढ़ता है। तो फिर क्या बच्चों, कोको उसे रोक देता है क्योंकि उसने वहीं पर रोटियां छिपाई हैं। दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। कोको दरवाजा खोलता है और इस बार उबा तुन यानी दुकान का प्रबंधक होता है। उसने दरवाजे पर उसे देखता है। तो बच्चों, दुकान का प्रबंधक कोको से कहता है कि तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। वे नीला फूलदान चाहती थी लेकिन उस समय वो मेरे पास नहीं था।
अतः वे गुलाबी फूलदान ले आईं। मेरे पास अब नीला फूलदान आ गया है, मैं उसे बदलने के लिए आया हूँ। बच्चों इतना कहकर उबातून यानी दुकान का प्रबंधक गुलाबी फूलदान उठाकर उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। फूलदान के साथ कोको की चावल की रोटियां भी चली गई। कोको को इस बात से बहुत दुख होता है क्योंकि वो सभी चारों रोटियां खाने के चक्कर में एक भी नहीं खा पाता है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।